Good morning to all my lovely viewers and visitors. Afternoon to ho hi jayega. Raj night ka ek set aapko dikhane laga hu main. Bahut hi perfect. Ek to single jodi aur saath mein एक जबरदस्त किस्म का जोड़ी का ट्रिक लाइक सेट स्टार्ट होगा यहां से थोड़ा सा इफ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बशर्ते के मे भी लाइक यहां पे आप चेक करो तो 6-1 का लगा जोड़ी सेट की डिटेल्स देने लगा हूं आपको फिर आपको सेट समझाता हूं दूसरे सेट में यहीं पे 6-1 लगा ट्यूसडे को 6-1 और इस सेट में भी ट्यूसडे को 6-1 अब हमने इसको ले गए चलते 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 आना है यहां पर यहां पे लगा 0-5 और इस सेट में यहां पे लगा 00 यानी 05 का काट ही 00 अब यहां से आप काउंट करो ट्यूसडे को 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8th वीक पे आकर फ्राइडे को 05 लगा अब यहां पे आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 8th वीक पे आकर फ्राइडे को 00 लगता है फिर ये सेट मेंटेन होता है यहां पे 06 17 40 और 17 यहां तक राइट और यहां भी ये सेट मेंटेन होगा 64 20 फिर ये थर्सडे और फिर यहां पे ये फ्राइडे को कंप्लीट होगा यानी थर्सडे को भी जोड़ी और फ्राइडे को भी जोड़ी डबल जोड़ी में चल के जाना है इसने राइट यहां पे थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लूं कैमरे को सेट कर लूं जी अब समझ में आ गया अब नोट करने वाली जो चीज है वो ये है लाइक पहले हम ऊपर वाले वीक को रीड करेंगे और उसके बाद आएंगे हम नीचे इस वीक में मंडे को लगा हुआ ओपन इसी सेट में ट्यूसडे को रिपीट हो गया दूसरे सेट में क्या हुआ मंडे को लगा हुआ ओपन ट्यूसडे को रिपीट हो गया चीजों को मैनेज करके हम लाएंगे और देखेंगे क्या से क्या बन के आता है फिर जो कॉमन चीज इसमें आई कॉमन चीज जो इसमें आती है ना लाइक यहीं से इस जोड़ी का टोटल 6-1 जब 6 पे 6 रिपीट होता है तो इस जोड़ी का टोटल नीचे वाली जोड़ी में आकर लगता है क्लोज यानी 6+1 टोटल क्लोज में लगा
फिर यहाँ पे आप चेक करो तो इस सेट में भी ऊपर वाली जोड़ी का टोटल 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आकर लगता है क्लोज। फिर आप इस जोड़ी का ओपन 6 1 का ओपन प्लस 2 किया तो विद पावर में लगा ओपन 7 7 की पावर 2 और क्लोज फिर यहां पे इस सेट में 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो यहां पे 0 का 0 ही क्लोज आया। नेक्स्ट इस सेट में और चीजें हमने देख के लानी है। यहां पर आकर फिर इसी जोड़ी का ओपन नीचे वाली वीक में कट में ओपन लगता है तो इस जोड़ी का ओपन नीचे वाली जोड़ी में कट में ओपन लगता है। फिर 2 7 के क्लोज से बढ़ के 7 प्लस 8 7 8 का जोड़ी कंप्लीट हुआ और 0 1 की जोड़ी से 1 प्लस 2 2 का कट 7 5 7 का जोड़ी रिपीट होता है। फिर ये मेंटेन होके जाता है यहां पे जोड़ी का प्लस 6 था टोटल नहीं प्लस तो 7 8 में प्लस लगा सॉरी यहां पे जोड़ी का टोटल 6 था तो इसका प्लस 6 लगा यहां पे जोड़ी का टोटल 3 था तो 5 7 में 3 का प्लस लग गया। नीचे पे 8 का ओपन लगा और 8 का कट 3 ओपन लगा यहां पे 6 का ओपन लगा तो 6 का 6 ओपन लग के जाता। फिर इसी के सामने 2 का टोटल है तो यहां पे 8 4 ही में 8 4 में 2 का टोटल रिपीट होके जाता है। फिर इसके सामने 8 5 की जोड़ी लगती है और दूसरे सेट में 8 5 का कट ही यहां पे 0 3 में लग के जाता है। राइट इसी के आगे हम अगर जाते हैं तो यहां पे 9 4 का जोड़ी लगता है और इसके ऊपर जोड़ी होता है 7 2। अब 7 2 की जोड़ी में आप प्लस डबल 2 कर लो 7 प्लस 2 9 2 प्लस 2 4 7 प्लस 2 9 2 प्लस 2 4 तो 9 4 का जोड़ी लगता है यहां पे जोड़ी लगता है 1 9 इसके ऊपर है 9 2 तो 9 2 की जोड़ी में डबल 2 हमने यानी 22 प्लस किया तो 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 4 का कट 9 1 9 की जोड़ी यहां पे लग के जाती है। फिर यहां पे हम आते हैं तो इसके ऊपर 1 6 का जोड़ी है 6 प्लस 1 किया तो 7 सिंगल क्लोज 7 का लगा यहां पे है 8 7 की जोड़ी 7 प्लस 1 किया तो 8 सिंगल
एट का कार्ड थ्री ओपन में लग के जाता है। फिर आप यहीं पे इस जोड़ी का टोटल 7+6 इज इक्वल टू 3, 3 का कार्ड 8 क्लोज लग के जाता है। सॉरी, यहां पे आता है 8 7, सॉरी, यहां पे आता है 5 3, तो 5 3 की जोड़ी का टोटल है 8 और 8 का कार्ड 3 क्लोज में लग के जाता है, राइट। आगे हमने जाना है तो 2 1 का जोड़ी लगता है, इसका क्लोज मल्टीप्लाई 3, यहां पे 3 का ओपन लग के आता है, यहां पे लगता है 1 3 क्लोज लगता है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इसका मल्टीप्लाई यहां पे ओपन लग के आता है, यहां पे 3 8 की जोड़ी और यहां पे 9 3 की जोड़ी होती है कंप्लीट, राइट। अब इससे नीचे वाले वीक्स में क्या होता है, सिक्स फोर मंडे की जोड़ी का क्लोज 4+1 किया तो 5 सिंगल ओपन आता है, 7 1 की जोड़ी का क्लोज 1+1 किया तो 2, 2 का कट 7 सिंगल ओपन यहां पे रिपीट होके आता है। फिर यहां पे कॉमन एट फाइव की जोड़ी का क्लोज का कट 0 8 में ओपन आता है, 0 3 की जोड़ी का क्लोज विदाउट कट ओपन में आता है। यहां पे 8 5 की जोड़ी के क्लोज का 5-2 किया तो 3 3 का कट 8 क्लोज आता है, यहां पे 0 3 की जोड़ी का क्लोज 3-2 किया तो 1 1 का कट 6 क्लोज आता है, यहां पे 0 8 का जोड़ी बना, यहां पे 3 6 का जोड़ी बन के आता है। अब यहां पे आप चेक करो तो 1 पे 1 ओपन आ गया, 1 9 में, 1 1 से 1 9 में ओपन आ गया, यहां पे 8 8 का कट 3 ओपन में आता है, फिर यहां पे क्लोज है 1 तो 1 की बकार 9 क्लोज में आती है, यहां 8 4 में 4 है तो 4 की बकार 6 6 का कट 1 क्लोज में अप्लाई होके आता है। फिर यही 0 8 का क्लोज 8 कट में ओपन लग के जाता है 3 7 में, और यहां पे 3 6 में 6 का क्लोज 6 0 में ओपन लग के जाता है, राइट। थ्री सेवन की जोड़ी में क्लोज 7 इसकी बकाए 3+2 किया तो 5 क्लोज जाता है, 6 0 में क्लोज 0 और 0 की बका 0+2 किया तो 2 क्लोज में आता है, राइट। अब यहां पे इस जोड़ी का प्लस कट में यहां पे टोटल बन के आता है 9 7 में, और इस जोड़ी का प्लस 3 1 की जोड़ी का प्लस 4 कट में यहां पे 2 7 में टोटल बन के आता है, राइट। फिर यही 9 7 की जोड़ी का क्लोज 7 क्लोज -2 किया तो 5 5 का कट 0 ओपन में आता है, यहां पे 2 7 में 7 का क्लोज -2 किया तो 5 5 का कट 0 सॉरी 5 का कट 0 ओपन में प्ले होकर आता है।
यहां तक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। यहां पे डबल वन की जोड़ी का क्लोज वन, इसकी बकार नाइन प्लस टू किया तो वन, वन फाइव में ओपन आता है। यहां पे सिक्स जीरो की जोड़ी का क्लोज जीरो, जीरो की बकार जीरो और प्लस टू किया तो टू ओपन में प्ले होकर आता है। अब इसके आगे जोड़ी लगता है थ्री सेवन, ओपन थ्री, थ्री प्लस टू किया तो फाइव, मंडे टू मंडे ओपन आता है। यहां पे है ओपन फोर मंडे का, फोर की वका सिक्स, तो सिक्स नाइन में ओपन बन के आता है। राइट, यहां पे ओपन है थ्री तो क्लोज थ्री में, ओपन ही क्लोज थ्री में आता है। यहां पे है क्लोज फोर तो क्लोज में, सिक्स नाइन में क्लोज फोर, फोर की पावर या फोर का कट ही यहां पे प्ले होके जाता है। यहां तक ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहां पे एट फाइव की जोड़ी का क्लोज फाइव, फाइव टू में जाता है ओपन। यहां पे फोर टू की जोड़ी का क्लोज टू, टू सिक्स में जाता है ओपन। ये पूरा चार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। अब हमने जाना है जीरो सिक्स, वन सेवन, फोर जीरो, वन सेवन, यही डिस्कस करा था मैंने। और सेकंड सेट में सिक्स फोर, टू जीरो, थर्सडे और फ्राइडे, इन जोड़ियों को लेके आता हूं मैं बाहर। राइट, पहले मैं इस सेट की जोड़ियां रिपीट करता हूं। पहली जोड़ी लगी आपकी जीरो सिक्स, जीरो सिक्स के बाद लगा वन सेवन, वन सेवन के बाद लगा फोर जीरो, फोर जीरो के बाद लगा वन सेवन। राइट, और यहां पे आकर हमारा जोड़ी, फिर यहां पे आकर हमारा जोड़ी, दो जोड़ी पे डिस्कस कर रहे हैं ना। एक लाइन तो हमारा ये हो गया, इसी के नेक्स्ट में जो लाइन है इसी के सामने का लाइन हमने स्टडी करना है। तो पहले जोड़ी लगा सिक्स फोर, सिक्स फोर के बाद जोड़ी लग गया हमारा टू जीरो का राजधानी राज नाइन में, टू जीरो के बाद जोड़ी क्या आए, उसके बाद जी उसके बाद जोड़ी क्या आए, सॉरी उसके बाद जोड़ी क्या आए, और यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई है, इसको मैं ज़रा हटा दूँ। यहाँ पे जोड़ी आपका आ गया फिर से वन सेवन पे, वन सेवन रिपीट हो गया, वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड फोर, जी फोर जोड़ी को हमने करना है रीड। अब हमारे पास इस पूरे चार्ट का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। यहाँ से हम जाते हैं और इसको मैं ज़रा जूम से हटा दूं ताकि आपको आसानी से मैं समझा दूं। जी अब हमारे चार्ट के मुताबिक ये दोनों सेट यहां पे पड़े हुए हैं। राइट, यहां पे करना क्या है, हमने दोनों में कॉमन चीजें देख के लानी है कि दोनों सेट में कॉमन क्या चल रहा है। पहली बात समझ लें आप, दूसरी मैं समझाता हूं। यहां पे जोड़ी का डिफरेंस क्या है, जीरो प्लस सिक्स किया तो
सिक्स, वन प्लस सिक्स किया तो सिक्स, प्लस वन किया तो सेवन, सिक्स प्लस फोर किया तो जीरो, और सिक्स प्लस वन किया तो सेवन, राइट। यानी ओवरऑल जोड़ी का डिफरेंस हमारा क्या चल रहा है, सिक्स का। कितने दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, राइट। अब यहां पे डिफरेंस क्या है, सिक्स प्लस एट किया तो फोर, टू प्लस एट किया तो जीरो। यहां पे जोड़ी का डिफरेंस हमारा चल रहा था सिक्स, यहां पे जोड़ी का डिफरेंस चल रहा है एट, राइट। तो ये सेट कंप्लीट होता है नेक्स्ट टू डेज में, वेडनेसडे और थर्सडे में, टोटल एट का ही चल के जाए। सिंगल जोड़ी में आपको कह रहा था थर्सडे का, यहां पे 176 के डिफरेंस में रिपीट हो गया थर्सडे को, यहां पे लगा है 20, तो यहां पे 20 रिपीट हो जाए एट के डिफरेंस में, और यहां भी एट के डिफरेंस में ही जोड़ी प्ले होकर जानी चाहिए, राइट। अब वेबसाइट पे मैं अपडेट दे दूंगा आपको, जोड़ी क्या आना चाहिए, एट के डिफरेंस में जोड़ी क्या बन रहा है, इस चीज पे हमने करनी है डिस्कस, और मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा। इफ अगर सेट का गेम पसंद आया और लगा हो आपको कि राज नाइट में दो दिन में हम आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं, थर्सडे का सिंगल जोड़ी 20 का याद रखना, बाकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा इससे हट के सपोर्ट में क्या रखना है हमने, सही। यहाँ पे आप देखें 17, इसी के सामने 20, यहाँ पे 17, तो इसी के सामने ये 20 का जोड़ी जैक पॉट में पड़ा है, लेकिन आज भी 8 के डिफरेंस में राज नाइट में जोड़ी लग के जाने वाला है। चलते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है और वेबसाइट पे अपडेट क्या आता है सिंगल जोड़ी का। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकॉन को करो प्रेस, ऑल नोटिफिकेशन करो सेव, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपको मिले। थैंक यू सो मच।